और इधर हमारी टीम में कमजोरियां हैं, जब जीतते हैं तब भी अपनी गलतियों को देखते हैं। रिजवान ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में शिकस्त के बाद कहना है कि मैक्सवेल की बैटिंग ने मैच में फ़र्क डाला, बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं, हमने पूरी जान लड़ाई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज ब्रिस्बेन में खेला गया। बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी। बारिश के बाद दोनों में टीमों के दरमियान फी इनिंग 7 ओवर्स का खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 94 रन के हदफ के तहकुब में पाकिस्तानी टीम 7 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सकी। मैच के बाद कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरा मैच बड़ा तेज था, मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मुझे अपने बॉलर्स पर पूरा इत्मीनान है, इस तरह के किसी चीज़ के पेश कोई नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इसलिए किया कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन तक महदूद करने की कोशिश करें। कौमी टीम के कप्तान का कहना था बॉलर्स ने पूरी जान लड़ाई, हमारी टीम में कमजोरियां हैं, जब जीतते भी हैं तब भी अपनी गलतियों को देखते हैं। इन्होंने कहा बॉलर्स ने हमेशा परफॉर्म किया और साथ में बैटर्स ने भी परफॉर्म किया, बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं, हमने पूरी जान लड़ाई। मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि मैक्सवेल की गेम ही ऐसी है, चाहिए कि वनडे हो या T20 मैच, इसकी बैटिंग ने मैच में फ़र्क डाला। अभी हम अच्छे खिलाड़ी तलाश कर रहे हैं और बेहतरीन प्लेइंग 11 तश्कील दिए गए तो कोशिश करेंगे।